प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशानुसार रक्षाबंधन पर सभी बहनों और माताओं के लिए सरकारी बस निःशुल्क रहेगी, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। जहां भी बहनें और माताएं जाना चाहें वहां पर जा सकती हैं अपने भाइयों कलाई पर राखी बांधने के लिए। जब इस संदर्भ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय बस स्टेशन वाराणसी के क्षेत्र प्रबंधक गौरव वर्मा से बात की गई तो उनका कहना है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार हर वर्ष की भांति इस बार भी अपनी बहनों और माताओं को रक्षाबंधन के पर्व पर निःशुल्क बस सेवा दी जाएगी। जिस दिन रक्षाबंधन रहेगा उस दिन 24 घंटे यानी कि रात 12 बजे तक बस निःशुल्क बहनें और माताओं को सुविधा दी जाएंगी। चाहे हमारी वोल्वो बस, हाई बस, एसी बसेस या ऑर्डनरी बसेस हों, सभी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। हर मार्ग पर उसमें देखा गया है कि मार्ग जो भी है, गोरखपुर बेल्ट में आजमगढ़, सोनभद्र, लखनऊ से कानपुर जो भी बस आती है उन पर इनकी क्वांटिटी बढ़ाई गई है। इसके साथ साथ प्रयागराज की भी क्वांटिटी बढ़ाई गई है। यहाँ पर मैक्सिमम बसों को भी बढ़ाया गया है। हम लोगों के द्वारा यहाँ पर नया कस्टमर केयर सेंटर खोला गया है। 24 घंटे यहाँ पर ऑपरेटर रहेगा। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत होती है तो वहाँ पर उसको कॉन्टैक्ट करके बसेस को ले जा सकता है। वहाँ पर ARM, RAMS इंचार्ज सुपरवाइज़र की भी ड्यूटी लगाई गई है। किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो तो वहाँ पर स्पेशल क्रेन टेक्निकल टीम से खड़ी कर दी गई है। अगर ऐसा हो तो तुरंत वहाँ पर प्रेजेंट हो जाएं। चालक और परिचालक, कंडक्टर विभिन्न मॉनिटरिंग और काउंसलिंग कर रहे हैं। वह यात्रियों के साथ अच्छा व्यवहार करें ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न न हो। माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री के आदेशानुसार के क्रम में इस बार भी हर बार की तरह हम लोग जो है अपनी बहनों और माताओं को जो है रक्षाबंधन के पर्व पर निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराई है। इसमें हम लोगों का जो 19th जहाँ जिसमें रक्षाबंधन है उस दिन पूरा जो है रात 12 बजे से लेकर अंतिम रात 12 बजे तक निःशुल्क सेवा हर तरीके की बसेस में, चाहे वह हमारी जो हाई एंड बसेस हों, चाहे हमारी वॉल्वो एसी बसेस हों, चाहे ऑर्डनरी बसेस हों, उन सब में निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी हर मार्ग पे। इसमें देखा गया है कि मुख्य मार्ग जो हमारे जो रक्षाबंधन है बनारस क्षेत्र के लिए, इसमें गोरखपुर बेल्ट में आजमगढ़, गोरखपुर, सोनभद्र, इधर लखनऊ से, कानपुर से पैसेंजर्स मेनली आते हैं। इन पे बसों की जो है कंटिन्यूटी बढ़ाई गई है। यहाँ पे मैक्सिमम बसेस को की ट्रिप्स को बढ़ाया गया। इसके साथ साथ प्रयागराज में ट्रिप्स बढ़ाई गई। हम लोगों ने यहाँ पे एक नया जो है कस्टमर केयर सेंटर खोला है जो 24 घंटा यहाँ पे ऑपरेट रहेगा। उसको यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत होती है वहाँ पे उसको कॉन्टेक्ट करके बसेस को ले सकता है। वहाँ पे ARMs की इंचार्ज की रोड्स पे जो है सुपरवाइजर्स की ड्यूटी लगाई गई है कि किसी प्रकार की दुर्घटना हो इसके लिए यहाँ पे स्पेशल क्रेन टेक्निकल टीम से खड़ी करा दी गई है कि कोई ऐसा हो उसको अटेंड करा जा सके। इसके साथ साथ हम लोग चालक परचालकों को डेली मॉनिटरिंग, उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं कि वो एक अच्छा व्यवहार करें इस पूरे पर्व को देखते हुए कि किसी प्रकार कोई समस्या हो।